संभल में शाही जामा मस्जिद में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई। बीते दिनों हुई हिंसा के मद्देनजर राज्य भर में हाई अलर्ट जारी किया गया था। मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग नमाज अदा करने पहुंचे। आपको बता दें, नमाज से पहले मस्जिद और उसके आसपास सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने संवेदनशीलता को देखते हुए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किया और सतर्कता बढ़ती गई। पुलिस ने इलाके में फ्लैग मार्च कर स्थिति को नियंत्रित बनाए रखा है। राज्य के अन्य जिलों में भी सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए गए थे। प्रशासन ने शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के लिए जनता से सहयोग की अपील की। स्थानीय अधिकारियों ने बताया कि नमाज के दौरान कहीं भी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये प्रशासन की सक्रियता और स्थानीय लोगों के सहयोग का परिणाम है कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में रही। संभल से निष्पक्ष अमुनियाला के लिए शाबेस खान की रिपोर्ट। स्थिति सामान्य है। 16 कंपनी PAC, RAF, RRF डिप्लॉयड है। सभी लोगों द्वारा सहयोग किया जा रहा है और जुमे की जो नमाज है शांतिपूर्वक तरीके से अदा की जाएगी। सारे पॉइंट्स कवर्ड हैं। शहर में पूरे में फोर्स का डिप्लॉयमेंट है। मजिस्ट्रेट और हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन सबका ज्वाइंट डिप्लॉयमेंट किया गया है और शांति व्यवस्था व्याप्त है। मस्जिद कमेटी द्वारा भी वॉलंटियर्स दिए गए हैं, उनके सहयोग से शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदा की जाएगी। डीएम साहब, आपको लेकर चिंता है कि लोगों में डेटरेंस है अभी भी? नहीं, सभी जगह शांति है। हमारी बैठकें भी हो चुकी है और कल आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी डिटेल से कमिश्नर सर ने आपको बताया था, तो कोई समस्या नहीं। आराम से जुमे की नमाज अदा की जाएगी और सब लोग सहयोग कर रहे हैं। थैंक यू।